शरद पवार को ममता बनर्जी ने क्यों लिखी चिट्ठी? क्या एक बार फिर शुरू होगी महागठबंधन की सुखबुगाहट? बीजेपी खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के मजबूती से खड़े होने की बारी जब भी आती है तो वो खड़ा होने से पहले ही जमीन पर गिर पड़ता है। ऐसा ही कुछ लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला। बीजेपी पूरी ठसक के साथ एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो गई। ऐसे में विपक्षी एकजुटता और महागठबंधन की सुखबुगाहट एक बार फिर से सुनाई देने लगी है। दरअसल महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर महागठबंधन की आवाज बुलंद की है। खबरों की माने तो महाराष्ट्र में गैर बीजेपी सरकार बनवाने में सफल रहने के बाद शरद पवार अब इस फार्मूले को पश्चिम बंगाल में भी लागू करने की कवायद शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को चिट्ठी लिखकर पूरे विपक्ष को एक मंच पर लाने की गुहार लगाई है। उधर महागठबंधन को लेकर शरद पवार ने कहा है कि लोग महाराष्ट्र में हुए प्रयोग को देख रहे हैं, लोग विकल्प चाहते हैं और ये एक पार्टी से संभव नहीं है, हमें साझा कार्यक्रम पर एक साथ आने की जरूरत है। पवार ने आगे कहा कि मुझे ममता की चिट्ठी भी मिली है और उन्होंने अनुरोध किया है कि आप जैसे लोगों को इस बारे में पहल करनी चाहिए, साथ ही इस पर चर्चा के लिए बैठक बुलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम दूसरों से इस मुद्दे पर बात करेंगे और देखेंगे कि मैं क्या कर सकता हूं। हालांकि महाराष्ट्र में गैर बीजेपी सरकार बनने के बाद ये दूसरा मौका है जब शरद पवार ने इस तरह के संकेत दिए हो। इससे पहले नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान भी पवार ने कहा था कि देश के कुछ हिस्सों में बीजेपी विरोधी भावनाएं उमड़ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले भी इस तरह की कवायद देखने को मिली थी, मगर विपक्षी दलों के ये अरमान परवान नहीं चढ़ पाया। जानकारों की माने तो महाराष्ट्र और झारखंड में मिली सफलता से विपक्ष का हौसला बुलंद है। मौजूदा माहौल में सियासी अवसर भी पवार जैसे अनुभवी नेताओं को दूर तक दिखाई पड़ रहा होगा। जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार बनाने में पवार ने अपना जौहर दिखाया है, उससे ये संकेत तो मिल ही रहे थे कि नजर तो उनकी अब सीधे दिल्ली पर होगी और इस बात का साफ साफ इजहार भी उन्होंने कर दिया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के खिलाफ बंगाल में विपक्ष महागठबंधन बनाने में कामयाब होता है कि नहीं। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ वायरल।